ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब सेवाएं शुरू हुई उसका आपको समाचार दास्तान सुनाते हैं। यूँ कहें कि पूरी भागवत है, वो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपको सब पता है जो भी भाई बहन हैं कि यज्ञ में इसकी स्थापना 1936-37 में हुई और बाबा ने दादियों को 14 साल योग तपस्या धारणा की भट्टी में खूब तपाया। फिर भारत विभाजन के बाद अपने संस्था माउंट आबू में आई। वो तो कहानी, वो सारा इतिहास आप सबको मालूम है। लेकिन जब माउंट आबू में आए राजा भरतपुर की कोठी में, तो उसके बाद से जब वहाँ के घूमने जाते थे लोग या कुछ ऑफिसर्स जाते थे तो वो देखते थे तो बाबा को यही कहते थे कि आप ऐसी जगह बैठे हैं, इसका तो बहुत प्रचार करना चाहिए और आपको बहुत विदेश सब जगह इसकी बहुत आवश्यकता है, आप सीमित क्यों बैठे हैं। तो ऐसे जब बोलने लगे तो सारी आवश्यकताएं महसूस हुई कि समय की मांग क्या है, पब्लिक की मांग क्या है, ज़रूर फील्ड में आना चाहिए। तो साकार मम्मा बाबा की नज़रों में बाबा की दृष्टि पड़ी। बाबा ने गंगे दादी को बोला कि बच्ची आपको सेवा में निकलना है और आपके साथ ही मनोहर दादी होगी, क्योंकि दोनों को बाबा बहुत प्यार से हर गंगे की जोड़ी कहते थे। मनोहर दादी का नाम हरी था और गंगे दादी तो हर गंगे बाबा कहते रहते थे। तो बाबा ने बोला कि बच्चे हर गंगे की जोड़ी जाएगी और दिल्ली राजधानी दिल्ली दरबार में जा कर के सबसे पहले लाल किला पे झंडा गाड़ना है। तो यज्ञ से सब प्रथम गंगे दादी मनोहर दादी को बाबा ने निकाला और दिल्ली तो पहुंच गए दादी, लेकिन ना वहाँ कोई रहने का ठिकाना था, ना कोई सेवा का स्थान था, ना कोई निमंत्रण था दिल्ली का, ना कोई परिचित था। तो बाबा ने बिल्कुल दादी कहे, बाबा हम सारी दुनिया छोड़ करके आए और आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो बाबा कहे, बच्ची पतित पावनी कैसे तुम कहलाओगी, गंगा पतित पावनी है, गंगा एक जगह नहीं बैठती है, जो एक जगह बैठता है पता कौन होता है, वो तालाब होता है, वो तलैया होती है, तो जो ठहरा हुआ पानी होता है उस पानी में काई पड़ जाती है और जो बहता पानी होता है वो सदा निर्मल रहता है। तो आप तो ज्ञान की गंगा हो, आपको जाना है, पतितों को पावन बनाना है, कैसे सिद्धोगे आप ज्ञान गंगा हो। फिर दादी ने कहा, बाबा हमने तो कुछ देखा नहीं है, आपके साथ रहे और बाहर कभी निकले नहीं तो कहाँ जाएंगे, कहाँ दिल्ली है हमें पता ही नहीं है। बाबा ने कहा, बच्ची अंधों ने मुल्तान ढूंढ लिया, तुम दिल्ली नहीं ढूंढ पाओगी, तो तुम्हें जाना है। फिर कैसे कैसे दादी मनोहर दादी दोनों आए और स्टेशन पर दिल्ली में उतरे तो वहाँ पूछा कि भाई यहाँ कोई रहने की जगह है क्या, तो सभी ने बताया, तांगे वालों ने बताया, तब तांगा चलता था, कि हाँ चांदनी चौक में एक गौरी शंकर मंदिर है और उस मंदिर में बाहर के यात्रियों के लिए कुछ कमरे बने हुए हैं और आप वहाँ जाइए, मंदिर वाले आपको रख लेंगे। तो जब दादी रिक्शे से तांगे से वहाँ पहुँचे हैं मंदिर में, तो पुजारी को सारा बताया, ऐसे हम माउंट आबू से आए हैं। तो पुजारी ने कहा, देवी जी हम दे रहे हैं कमरा, आप रह लीजिए। चलो पुजारी जी ने तो कमरा दे दिया गौरी शंकर मंदिर में, लेकिन अब भोजन कहाँ से मिलेगा। तो कहा कि ऐसा है कि हमारे जो भगवान जी को भोग लगता है वही प्रसाद आपको मिल जाएगा, वो आप ले लीजिएगा, स्वीकार कर लीजिएगा। तो दादी ने कहा कि हम लोग तो लेते नहीं हैं, अपने हाथ से बनाते हैं और वही भोजन स्वीकार करते हैं। तो उसने कहा, फिर ऐसा है देवी जी, जब ये हमारा भोग लग जाएगा बाप भगवान का
तब हमारा चूल्हा खाली होगा और 12 बजे दिन में भोग लगेगा। जब चूल्हा खाली होगा फिर हम आपको देंगे, आप अपने हाथ से बना लेना, राशन दे देंगे आपको। तो 12 बजे तक दादी दोनों क्या करें, वहाँ उस समय कोई टोली लेके नहीं गए थे लड्डू मठरी की बैठ के खा लें 12 बजे तक, कुछ भी खाने को नहीं होता था। तो जो मंदिर में भक्त लोग आते थे उनको ज्ञान सुनाते थे बिठा बिठा के। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची तुम्हें गवर्नमेंट को जगाना है, लाल किला पे झंडा गाड़ना है। अब गवर्नमेंट कितना दूर, त्रिमूर्ति हाउस। तो दादी दोनों निकलती थी सवेरे सवेरे पैदल, चलते 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 फिर कोई उधर के जाने वाला रूट पे मिल जाता था, कार वाला लिफ्ट दे देता था तो वो छोड़ दे आगे चले जाओ आप लोग। तो कहती थी ऐसे चलते चलते, जो गंगे दादी ने बताया, तो थक भी जाते थे, बड़ी भूख लगती थी, प्यास भी लगती थी, कहाँ गौरी शंकर मंदिर और कहाँ जो है वो जाना प्रधानमंत्री से मिलना, कभी राष्ट्रपति से मिलना। तो बहुत जब थक जाएं, बहुत भूख लगे, भूख में बेहाल हो जाएं, तो ठेले पर कहीं जो है ना भुना चना मिलता था तो कहती थी 2 पैसे का ले लेते थे, फिर हम और मनोहर दादी दोनों बैठ के खा लें। अब प्यास लगी है तो कहीं सड़क पे पानी नहीं, नल नहीं, कहाँ जाएं, तो वो भी कहा ऐसे ठेले पे गन्ने की गंडेरियाँ बिक रही होती थी तो गंडेरी ले लेते थे और वही चूस चूस के गलत्तर कर लेते थे। इस तरह से सेवाएं चलती रही। और जब कभी कभी तो वहाँ जाती थी तो मिलने वाले, ज़रूरी नहीं कि मिला दें नेहरू से और सबसे, तो कहें कि आप देवी जी टाइम तो लेके आई नहीं, आज आप टाइम लीजिए, कल आइएगा मिलने के लिए या परसों आइएगा। तो जब वो समय देते थे तब फिर दोबारा मिलने जाती थी। तो ऐसे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, वहाँ भी तो बड़ा टाइम लगता था, तो मिलना जाना, कितना दिन पैदल करना। तो धीरे धीरे ये सेवा चलती रही।